वेलकम टू यू इन माई यूट्यूब चैनल। बच्चों आज जो हम चला रहे हैं वो है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में मैंने समझाया, विद्युत प्रतिरोध किससे कहते हैं, है ना, किसी चालक में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने का जो गुण है वो रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न होता है ना। तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब किसी चालक के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में धारा उत्पन्न हो जाती है। तो चालक के विभवांतर और धारा के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध के अलावा एक टॉपिक आता है चालकत्व। चालकत्व विद्युत प्रतिरोध के अनुपात को, प्रतिरोध होता है आर, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकत्व, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन आर। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा वन अपॉन ओम, आर का मात्रक ओम है, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है जिसको हम ओम इनवर्स भी बोलते हैं या मो भी बोलते हैं, मो एम एच, ठीक है। अब जो है अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब कोई धारावाही चालक है तो चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, और रो इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन जी। एक बार पुनः आप समझेंगे कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ, है ना। तो जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सीधे सीधे रो इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन जे। रो विशिष्ट प्रतिरोध को यहां पर व्यक्त कर रहा है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त कर रहा है, जे धारा घनत्व को व्यक्त कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ई को हम लिखते हैं कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके दोनों सिरों पर विभवांतर क्या हो गया, भी, ठीक है। चालक तार की लंबाई सपोज क्या है, एल है, इसके दोनों सिरों पर विभवांतर स्थापित कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है भी अपॉन एल, ठीक हो गया। और दूसरा जो है जे बराबर होता है
ये मैंने आपको बताया था कि धारावाही चालक का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है माना ए है, तो किसी धारावाही चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको कहते हैं जे, कहते हैं जे इक्वल टू हो जाता है आई अपॉन ए, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। इसी धारावाही चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होगी उसको हम कहते हैं धारा घनत्व जे। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर एक में, ए और जे का मान रो इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन एल बटे आई अपॉन ए। तो ये हो जाएगा वी बटे एल इंटू ए अपॉन वी अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन आई। तो भी ये हो जाएगा भी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, इसको भी अपॉन आई को हम बोलते हैं आर रेजिस्टेंस ए अपॉन एल, ठीक है। तो इसलिए रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन, ठीक है। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ये क्या हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आप समझ सकते हैं, ये हो जाएगा आर का मात्रक ओम और ए, ए को हम लिख सकते हैं एल गुणा गया एल, एल से एल कैंसिल, ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ठीक है ओम इंटू मीटर। इसकी बीमा हम निकाल सकते हैं, बीमा हमने निकाली थी, बीमा आर की निकाली थी हमने, जो बीमा निकाली थी वो निकाली थी एम एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा एल, एल मीन्स एल हो जाएगा, एल की घात क्या होगी थ्री हो जाएगी, एम एल की घात तीन टी माइनस टू ए माइनस टी माइनस क्या था थ्री था, टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये मैं कल बता चुका हूं आपको, इससे पहले वाले वीडियो में ये क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर। एक बार पुनः समझेंगे कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के किसी बिंदु पर E और J, E मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, तो हम जो है रो को निकाल सकते हैं इस तरह से, रो बराबर सबसे पहले हमने क्या निकाला E निकाला, धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वी बराबर ए, E बराबर वी अपॉन एल। उसी प्रकार से किसी बिंदु पर धारावाही चालक के किसी बिंदु पर हमने क्या निकाला जे निकाला, धारा घनत्व निकाला आई अपॉन ए, हमने वो वैल्यू रख दी E और जे की, तो ये आपका आ गया रो बराबर आर ए अपॉन एल। सेम इसी तरीके से हमने जो है प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा था, प्रतिरोध जो होता है प्रेक्षणों के आधार पे, प्रयोगों के आधार पे उनके नियम का जब सत्यापन हुआ उसमें कहा गया कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। आर क्या है प्रतिरोध है, इसलिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट आसी है रो एल अपॉन ए। इसी रो को हम क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार मैंने कहा जब ओम के नियम का सत्यापन हुआ तो प्रेक्षणों के आधार पर पता लगा कि किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर निर्भर करता है, लंबाई की अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हमने ये लिखा, इसलिए आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट राशि हो गया रो एल अपॉन ए, ठीक है, जहां पर रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है और रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल, जो मैंने आपको अभी
इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है जिसको हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट चालकता की जो डेफिनेशन होगी उसको कहेंगे विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। विशिष्ट प्रतिरोध हमारा रो है, रो के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता हो जाएगी विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, और 1/ρ का मात्रक क्या होता है, मैंने रो का मात्रक बताया ओम मीटर।